क्या हाल है मेरे दोस्त। तो कोई भी बात पर्सनली शेयर करने के लिए, मुझे कुछ कहने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, आप मुझको इंस्टाग्राम पर साथ ही साथ फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हो। इनकी लिंक मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन में। आज बात कर रहा हूं उन लोगों के बारे में जो लोग दिन भर ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर क्या मेरी एक्स को मेरी कीमत समझ आएगी, क्या उसको मेरे सेक्रीफाइसेस कभी याद आएंगे, उसने किसको छोड़ा है, क्या उसको ये समझ आएगा, मेरी कमी कभी महसूस होगी, मेरी वैल्यू कभी समझ आएगी। इन सब चीज़ों को जो लोग सोचते हैं, इसी टॉपिक पर, इन्हीं क्वेरीज पर आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है। मेरे दोस्त, मुझे आज तक ये चीज़ कभी समझ नहीं आई कि आप लोग ये सब सोचने में अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के लिए जो अब आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे एक्स को मेरी वैल्यू समझ आएगी, क्यों सोच रहे हैं, उसको मेरे सेक्रीफाइसेस समझ आएंगे, वो मेरी लाइफ में वापस आएगी, रोएगी, तड़पेगी, वैल्यू याद आएगी, क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप अपना टाइम इन सब चीज़ों को सोचकर। और मेरे भाई, अगर उसको आपकी वैल्यू समझ आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो ना आए, क्या फर्क पड़ता है, रिलेशनशिप से ब्रेकअप हो गया। आप अपने टाइम को क्यों बर्बाद कर रहे हैं इन सब चीज़ों को सोच सोचकर, क्या प्रॉफिट हासिल हो जाएगा अगर उसको ये चीज़ें समझ आ भी गई, क्या हासिल कर लोगे आप? आप मुझे ये बताओ, आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा अगर उसको चीजें समझ आ भी गई, उसे आपके सेक्रीफाइस समझ आ गए, उसको आपकी वैल्यू समझ आ गई, उसको आपकी कदर समझ आ गई, उसे ये चीज समझ आ गई मैंने किसको छोड़ा है, क्या हासिल हो जाएगा? कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जब उसको ये चीज समझ आएगी, उसे चीज रियलाइज होगी, मैं रिलेशनशिप बना लूंगा, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। मेरे दोस्त, आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। उसे जाना था, वो चली गई, पहले आपने बर्बाद किया रिलेशनशिप बनाने में टाइम, फिर उसे चलाने में, फिर घुमाने में, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में, अब बर्बाद कर रहे हैं कि उसे कब रियलाइज होगा। और बर्बाद कर रहे हैं, हम रियलाइज कराएं कैसे, अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं उसे रियलाइज कराने के लिए। भाई, क्या हासिल कर लोगे रियलाइज करा के? कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब अगर तुम्हें प्रॉफिट चाहिए तो तुम्हें खुद पर वर्क करना है, इस टाइम को कंज्यूम करना है, यूटिलाइज करना है खुद के लिए, अपनी वैल्यूज जनरेट करो, अपने लिए वर्क करो, ना कि उन चीजों पे वर्क करो जो चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसको जाना था वो चला गया, अब अपने गोल्स को फॉलो करो। जिम करनी है तुमको, जिम करो, घूमना है तुम्हें घूमो, अपनी लाइफ को जीना शुरू करो ना। उन सब चीजों में क्यों सिमटे रहना चाहते हो, एक लड़की एक लड़के में क्यों सिमटे रहना चाहते हो मेरे दोस्त? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आप लोगों के पास इतना ज्यादा वक्त है, इतना सारा वक्त है बर्बाद करने के लिए, कि पहले एक्स को याद करने में बर्बाद कर रहे थे, अब उसे रियलाइज कराने में बर्बाद कर रहे थे, पहले रिलेशनशिप में बर्बाद कर रहे थे। मतलब टाइम है तो बर्बाद किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। भाई, ये चला गया ना टाइम, तो लौट के नहीं आएगा। उन लोगों से पूछो जो चीज़ ये सब फेस कर चुके हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छा समझा पाएंगे। उन्होंने जब फेस कर लिया, लेकिन अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम रियलाइज करा के पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हो, कौन से झंडे गाड़ना चाहते हो, कि तुमको या तो बहुत बड़े झंडे गड़ जाएंगे या तुम ड्यूड बन जाओगे। तुम ये दिखाना चाहते हो अपने दोस्तों के आगे कि देख, तेरे भाई को छोड़ के गई थी, खुद अपने पैरों पे आई है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, आंसू बहा रही है। भाई, क्यों क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों कर रहे हो? उसे रियलाइज नहीं कराना है हमें खुद पे मेहनत करनी है। जो होना था वो हो गया, रियलाइज होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो भाड़ में जाए। जब तक रिलेशनशिप था तब तक तू मैटर करती थी, अब तू चली गई, अब तू भाड़ में जाए या जहां मर्जी जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू एक से बात कर या सौ से बात कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू रो या गा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता था जब रिलेशनशिप में थे, फर्क पड़ता था जब मैं प्यार करता था, फर्क पड़ता था जब हम दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में थे। ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? अब मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अब मौका है खुद की वैल्यूज जनरेट करने का, अब मौका है अपने गोल्स को पूरा करने का। पहले समय तुम रिलेशनशिप को दे रहे थे, अब समय खुद को देना है, अपने फ्यूचर को देना है, अपने गोल्स को देना है। समझो इस बात को कि रियलाइज नहीं कराना है। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम गलत नहीं थे ना, तो उसे रियलाइज हो जाएगा, 101% हो जाएगा। आज नहीं होगा तो 6 महीने बाद होगा, लेकिन होगा अगर तुम सही थे। और वो तुम जानते हो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप में सही कौन था और गलत कौन था। मैं जज नहीं कर सकता, कोई थर्ड पर्सन नहीं जज कर सकता। अगर तुम सही थे, उसे रियलाइज हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों में उलझकर अपने टाइम को बर्बाद ना करो, इस टाइम को यूटिलाइज करो खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने दोस्तों में एंजॉय करो, अपने लिए एंजॉय करो, दैट्स इट। समझो इस चीज को, टाइम बर्बाद मत करो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।